दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मित्तल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग की अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनियम को लेकर। क्या इसकी प्राइस है, क्या इसकी प्राइस फ्यूचर में जा सकती है और आप लोगों को ये कितना फायदा दे सकता है, वो पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये रेड बटन दिख रहा है इसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको एक बेल का आइकन दिख रहा है, आप सिंपली उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालू तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर कोई भी जरूरी न्यूज होगी तो मैं वहां डेली पोस्ट करता रहता हूँ। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनियम की करंट प्राइस दिखा देता हूं क्या चल रही है। देखिए, मैं आपको अपने कॉइन मार्केट पे लेके गया, कॉइन मार्केट में यहां पे आप लोगों को मैं इसकी करंट प्राइस दिखा देता हूं। जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.07 डॉलर, और आप लोग देख सकते हैं -10.78 यहां पे डाउन जा चुका है। कभी इसकी प्राइस 0.08 होती है, 0.09 होती है, 0.10 होती है, तो इसकी प्राइस वेरिएशन में चेंज होती रहती है। लेकिन लोग बहुत परेशान है, लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ी नहीं रही, $1 कब जाएगा, $2 कब जाएगा, ये कब उनको वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उन लोगों का तो ठीक है जिन्होंने आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था, उनको 0.01 डॉलर में मिल गया था और अभी करंट में आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 0.07 डॉलर जो चल रही है प्राइस। तो यानी कि आपको 7 गुना का यहाँ से प्रॉफिट हो चुका है अगर आप लोगों ने आईसीओ में पार्ट लिया था। लेकिन बहुत से लोगों ने आईसीओ में इसका पार्ट नहीं लिया था, उन लोगों ने 0.05 डॉलर पे या 0.06 डॉलर पे इसको इलेक्ट्रोनियम को खरीदा था। तो वो लोग बहुत परेशान है, वो लोग कह रहे हैं इसकी प्राइस कब बढ़ेगी, हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोनियम को सेल कर देना चाहिए या उसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रोनियम में वो पोटेंशियल है जिससे कि वो $1 जा सकता है, $2 जा सकता है, $5, $10 भी चला जाए तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नई नई कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं अभी ये कोई बड़े एक्सचेंजर पर नहीं आया है, जब ये बड़े एक्सचेंजर पर आएगा तो इसकी बाय सेल की रेट बढ़ेगी जिसकी वजह से ये बहुत ऊपर जाने की इसके बहुत चांसेस हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कौन से एक्सचेंजर पर अभी अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्रिप्टोपिया पे अभी ओनली अवेलेबल है और क्रिप्टोपिया आप लोग जैसे जानते हैं इतना बड़ा एक्सचेंजर नहीं है। अगर ये बिट्रैक्स, पॉलिनिक्स या हिट बीटीसी के ऊपर आता है तो इसकी रेट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी और आप कुछ ही टाइम में इसको बिट्रैक्स, पॉलिनिक्स या हिट बीटीसी के ऊपर भी देख सकते हैं। और इसकी INR में बात करें हम लोग इंडियन प्राइस में, तो मैं आपको इंडियन प्राइस में भी इसकी करंट वैल्यू दिखा देता हूँ। जो इसकी करंट वैल्यू इंडियन प्राइस में चल रही है वो चल रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6.66 रुपए चल रही है, यानी कि 6-6.5 रुपए के आसपास ये कॉइन अभी मार्केट में है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसकी रेट है बहुत ज्यादा कम है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन फिर वापस गिर जाता है। तो लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि हमें अपने कॉइन को थोड़े से प्रॉफिट के अंदर सेल कर देना चाहिए। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी आए हुए इसको 1 महीना हुआ है एक्सचेंजर पे, जैसे ही एक्सचेंजर पे आया था इसकी रेट 12 से 15 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन हुआ क्या था, लोगों ने जैसे अपना प्रॉफिट निकाला इसको सेल करने लगे, जिसकी इसकी वजह से जो इसकी वैल्यू है वो पूरी गिर चुकी है। अब जो इसकी वैल्यू पूरी गिर चुकी है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं कि ये अब क्यों नहीं जा रहा, जो बाकी कॉइन्स है वो काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं लेकिन इसमें ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिल रही, कभी ये $1 जाएगा, कभी ये $2 जाएगा, $5, $10 जाएगा, इसके को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको एक ही बात अपनी हर वीडियो में बताई है कि ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे लॉस खा सकते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट होल्डिंग, अगर आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड कर लिया तो आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। अभी आए हुए इसको सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में आप लोग देख सकते हैं जिसने आईसीओ में इसको पार्ट लिया था उसके 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना प्रॉफिट भी यहाँ से हो चुका है। तो आप लोग कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, 2 नहीं 4 नहीं 5-6 महीने इसको वेट कर लीजिए, आराम से इसकी डॉलर रेट जो है वो $1, $2, $5 आराम से जाएगी, क्योंकि जो इसकी पावर है वो बहुत ज्यादा पावर है और जो इसकी पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने एक कॉइन को भी अभी तक सेल नहीं किया है, जब तक इसकी रेट $1, $2 चली नहीं जाती मैं अपने कॉइन को होल्ड करके रखूंगा, चाहे मुझे 5 महीने लग जाए, चाहे मुझे 10 महीने लग जाए, मैं उसको बिल्कुल सेल नहीं करने वाला। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाना चाहते हैं या फिर इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि अभी आप यहाँ पे अपना छोटा सा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल गए और आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई चली जाती है तब आप लोगों को दुख होगा कि यार उस टाइम पे मैंने सेल नहीं किया होता, होल्ड किया होता तो आज इसकी बहुत ज्यादा प्राइस चली गई है। जैसे कि आप बिटकॉइन को ही ले लीजिए, बिटकॉइन की प्राइस आने वाले टाइम में कितनी कम थी जब उसने किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम पे और अभी तक उसको होल्ड करके रखा होगा, तो आप लोग सोच सकते हैं उसको कितना ज्यादा वहां से प्रॉफिट हो गया होगा। अगर वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके अपना सेल आउट कर देता तो उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो इसलिए होल्डिंग बहुत जरूरी है। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं ले सकते। बाकी मैं आप लोगों को कंपनी की एक न्यूज दिखा देता हूँ जहां पे इन लोगों ने बोला था और आप लोगों से वोटिंग भी मांगी थी। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो इनका ट्वीट है, अनदर ऑसम पिटिशन हैज बीन सेटअप
डू यू वॉन्ट टू सी ETN लिस्ट ऑन बिट्रेस एक्सचेंज, यानी कि आप लोग इस लिंक पे जाके इन लोगों को बता सकते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रोनियम बिट्रेस एक्सचेंज पे चाहिए या नहीं चाहिए, या कोई और एक्सचेंज पे चाहिए, तो आप लोग यहाँ से उसको बता सकते हैं। जितने ज्यादा वोट मिलेंगे ये लोग उसके हिसाब से उसको उस एक्सचेंजर पर लेके आएंगे, बिट्रेस के खिलाफ या फिर फॉलोनी के खिलाफ ज्यादा वोट मिले इनको तो उसी हिसाब से ये एक्सचेंजर पर लेके आएंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं, जब ये बिट्रेस फॉलोनिक्स या हिट BTC ऐसे बड़े एक्सचेंजर्स पे आ जाएगा तो जो इसकी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, आप लोग देखते रह जाएंगे और इसकी रेट एकदम से बहुत हाई चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।